दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश। उत्तर प्रदेश की बात मैं आज करूंगा दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में जहां भी आप जाइए, जिस इलाके में जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए, सेंट्रल यूपी में जाइए, जहां भी आप जाइए, माहौल जो दिख रहा है वो बदलाव का। ऐसा लगता है कि लोग जरूर कहीं ना कहीं एक बेहतर माहौल चाहते हैं, बेहतर शासन प्रशासन चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के लिए जो ये एक अनुकूल माहौल दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, वो राजनीतिक स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है। अगर चुनावी गणित के हिसाब से देखा जाए, अगर चुनावी हथकंडों के हिसाब से देखा जाए, अगर चुनाव लड़ने की शैली और तौर तरीकों के हिसाब से देखा जाए, तो निश्चित रूप से जो मौजूदा सत्ताधारी हैं उनके पक्ष में, उनके साथ माहौल दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे ये क्या उलटवासी है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जो समाज में अगर आप देखिए, राजनीतिक तौर पे देखिए, लोगों के मनोभाव को देखिए, तो बदलाव चाहते हैं। और वैसे भी कई स्टेट्स अपने देश में हैं जहां पांच पांच साल के बाद सरकारें बदल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा नहीं भी हुआ है, लेकिन मौजूदा जो माहौल है वो बेचैनी का है, मौजूदा सरकार से मोह भंग का है। लोगों ने सोचा था कि 2017 की बात मैं कर रहा हूं, कि इतना प्रचंड बहुमत दिया है तो ये जो खिचड़ी सरकारों, जो मीडिया बोलता रहता है ना, खिचड़ी सरकार, गठबंधन सरकार, और अक्सर गठबंधन सरकारों को बदनाम किया जाता है, तो लोगों ने सोचा कि ये प्रचंड बहुमत वाली सरकार आ जाएगी, सब कुछ उत्तर प्रदेश का ठीक हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का कितना ठीक हुआ, उत्तर प्रदेश कितना बेहाल हुआ, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो मोहभंग की स्थिति दिखाई दे रही है इस सरकार से, नाराजगी की दिखाई दे रही है, वो महामारी में उसके कामकाज से, डेवलपमेंट को लेकर उसके तौर तरीकों से, विकास की उसकी परिभाषा को लेकर उससे, और अपराध को लेकर भी, और इसके अलावा जो एक माहौल बना दिया गया है विभाजन का, नफरत का, उसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी, तो इन कारणों से लोग बदलाव चाहते। लेकिन बदलाव चाहने वाले लोगों के ऊपर हावी है मौजूदा जो सत्ताधारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो उनकी रणनीतिकार हैं, उनके जो योजनाकार हैं, उनकी शैली कामकाज की, उनके तौर तरीके, उनको चुनाव जीतने का ऐसा लगता है कि वो न केवल चुनाव जीतने में माहिर हैं, बल्कि चुनाव जीतने का संस्थान चलाते हैं। तो उनके जो चुनावी हथकंडे हैं जिन्हें जीतने के, वो जबरदस्त। अब आप देखिए, आज जेवर ग्रेटर नोएडा के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में। कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ से गाजीपुर तक, यानी लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, वहां से बिहार के सरहद तक, उत्तर प्रदेश का जो एक प्रमुख जिला है गाजीपुर, वहां तक एक्सप्रेस वे उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। ये सारे काम चुनाव से एंड पहले किए जा रहे हैं। अरे भाई, 5 साल की सरकार है, पहले साल में होता, दूसरे साल में होता, तीसरे साल में होता, क्योंकि ये परियोजनाएं जो हैं अखिलेश यादव की सरकार के समय से चल रही है, बल्कि जो एयरपोर्ट का मामला है उससे भी पहले से चला रहा है। लेकिन ये सारा जो कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए, ताकि 2017 में चुनी गई सरकार 2022 में जब चुनाव में उतरेगी, तो दिखाने के लिए एक खूबसूरत, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, उपलब्धियों का एक पिटारा है, वो दिखाया जाएगा। पहले ही हो गया होता, लोगों को और ज्यादा खुशहाली होती। तो विकास के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ के, जिसमें बहुत सारे काम हो जाएंगे, फिर भी मैंने कह रहा हूं कि ये बुरे हैं। ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, एयरपोर्ट से लाभ भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, ये अलग बात है कि बहुत सीमित मिलेगा, और रोजगार की जो क्वालिटी आजकल हो गई है, क्योंकि एयरपोर्ट सरकार बनाएगी और प्राइवेट हाथों में दे देगी, तो प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार है उसमें आप जानते हैं कि न पेंशन है,
तनख्वाहें बहुत कम है, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है लोगों को, जितनी ज़मीनें लोगों की जा रही हैं उसके हिसाब से मुआवजा जरूर बेहतर मिल रहा है, इवन हाईवे पर भी मिल रहा है, लेकिन जो उससे जुड़े जो और काम है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, उत्तर प्रदेश की आवाम का, उत्तर प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास का, वो कहाँ पड़ा है, हम उस पर भी आएंगे। तो हमारा बस ये कहना था कि ये जितने काम बस चुनाव से महज पहले हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है, हमारे देश की जनता भी देख रही है कि भाई बहुत सारा वक्त बीत गया, आप इस वक्त में आपने क्या किया? आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, कहां है उत्तर प्रदेश? अपने देश में दोस्तों जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं उसका जो मानव विकास सूचकांक है भारत का, उसमें जो राज्यों की जो कैटेगरी, राज्यों का जो श्रेणीकरण किया गया है मानव विकास सूचकांक, जो विकास के असल पैमाने, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनडीपी सब मिलके करते हैं, तो वो आंकड़ा वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मैं आपको जो उपलब्ध आंकड़ा है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें क्या आता है? इसमें शिक्षा का विस्तार आता है, इसमें स्वास्थ्य की स्थितियां आती हैं, सुविधाएं और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो किस कैटेगरी की हैं, कितनी उनकी गुणवत्ता है, और इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है वो लोगों के जीवन स्तर का जो मामला है, जीवन स्तर, वह भी इसमें शामिल है। ये तीन प्रमुख कंपोनेंट हैं HDI के यानी मानव विकास सूचकांक के। उसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है मालूम है आपको? उत्तर प्रदेश नीचे से दूसरा है, नीचे से दूसरे नंबर पर है, और उसकी पोजीशन 35वीं है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित क्षेत्र और राज्य मिलाकर। जो दुनिया का एक देश है कंबोडिया, जिसको कंपूचिया भी एक दौर में कहा जाता था, तो ये कंबोडिया के बराबर उत्तर प्रदेश है। अब आप सोचिए कंबोडिया बहुत पिछड़ा प्रदेश है, बहुत पिछड़ा देश है, और उसकी स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश जैसी है, जबकि उत्तर प्रदेश की तुलना हम करते हैं कि यूरोप के बहुत सारे मुल्कों से बड़ा ये है। उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो दुनिया के विकसित कई मुल्कों से ज्यादा है। आप उत्तम प्रदेश बना रहे थे, रामराज ला रहे थे, और वो 35वें नंबर पर है HDI। देखिए मैं भाजपा कांग्रेस या लेफ्ट या राइट किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, और उसमें भाजपा के कई प्रदेश जो भाजपा शासित हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, मैं उनका भी नाम लूंगा। मानव विकास सूचकांक में नंबर वन पोजीशन केरला की है, और ये वर्षों से है। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है जो केंद्र शासित क्षेत्र है। गोवा तीसरे नंबर पर है जो भाजपा शासित प्रदेश है। अगर मुझे भाजपा या कांग्रेस में डिफ्रेंशिएशन करना होता, अपनी कोई एक पसंद नापसंद दिखानी होती, तो मैं गोवा का नाम नहीं लेता, लेकिन गोवा तीसरे नंबर पर है, लक्षद्वीप चौथे पर है, दिल्ली पांचवें पर है, अंडमान छठे पर है, हिमाचल भाजपा शासित प्रदेश वो आठवें नंबर पर है। हर 5 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं, कॉम्पिटेटिव मामला है, जनता चुनती है जिनको, उनको अगली बार हटा देती है, शासन बेहतर है, परफॉर्मेंस बेहतर है। तमिलनाडु, ये मत समझिए कि छोटे प्रदेश अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तमिलनाडु देश का एक बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश वगैरह के बाद, और तमिलनाडु 11वीं पोजीशन पर है। 36 जो राज्य है केंद्र शासित क्षेत्र सहित, उनमें ये तमिलनाडु 11वीं पोजीशन पर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट माना जाएगा। और सिक्किम 10वीं पोजीशन पर, हरियाणा 12वीं पोजीशन पर है, महाराष्ट्र 15वीं पोजीशन पर है, यानी आधे से ऊपर है, यानी बेहतर परफॉर्मेंस है। इसी तरह जम्मू कश्मीर, जिसको आप और हम समझते हैं कि आतंकवाद ने तहस नहस कर दिया वहां के विकास को, लेकिन वो अभी भी 17वीं पोजीशन पर है, 17वीं पोजीशन पर है, और जब आतंकवाद वहां नहीं था उसकी पोजीशन और ज्यादा बेहतर थी। तो मैं यही आपको, ये आंकड़ा लंबा है, मैं इसको न पढ़ करके सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं कि वो 35वें नंबर पर था। ये 2019 का आंकड़ा है, 2020-21 में हालात बहुत सुधरे नहीं है, और 21 का आंकड़ा अभी आना बाकी है। हमारा ये कहना है कि ये जो पोजीशन है, ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के मद्देनजर ये पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए जो मौजूदा सत्ताधारी कर रहे हैं वो क्या कहीं से भी डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं,
जो कामकाज की शैली है, जो शब्द सारित तरीका है, क्या वो उसके अनुकूल है? अब आपको याद होगा कोरोना दौर, कोरोना दौर में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, एक काम, केवल एक काम, सब नहीं। दवा दारू की व्यवस्था नहीं अच्छी हुई, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं हुई, ऑक्सीजन से न जाने कितनी मौतें हुई उसके अभाव में, लेकिन एक काम अच्छा हुआ कि उन्होंने अनाज जो है मुफ्त का उन्होंने लोगों को उन्होंने दे दिया और कहा कि कोई आदमी भूखो नहीं मरेगा। चलिए अच्छी बात है, 80 करोड़ लोगों को देने का ऐलान किया गया। अब आप सोचिए, हमें बताया गया था कि भारत की गरीबी तो मिटा दी गई है, पॉवर्टी जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो ऊपर उठ गए हैं, कितना आंकड़ा पेश किया जाता था विकास का, लेकिन विकास की असली जो असलियत है वो सामने आ गई जब बताया गया कि हमारे देश में गरीब लोग जो हैं 80 करोड़ हैं और 80 करोड़ को दिया जाने लगा। इसकी मियाद खत्म हो रही थी, कोरोना खत्म हो चुका है ऐसा माना जा रहा है और कोरोना वाकई अब तो हर कुछ चल रहा है नॉर्मल, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इत्यादि के चुनाव के मद्देनजर सरकार ने इसको मार्च तक, यानी जिसको आप कहते हैं ये अनाज मुफ्त अनाज योजना, इसे कहा गया है पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना को मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया, ये फैसला भी हुआ है। और कुल मिलाकर इस पर समझ लीजिए कि 60,000 करोड़ खर्च होगा, 260,000 करोड़, 260,000 करोड़। अब सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने खुश हुए कि जैसे ही ऐलान हुआ केंद्र सरकार का, उन्होंने फौरन इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि आखिरकार चुनाव का मसला है। तो आखिर अपने लोगों को इस लायक हमने क्यों नहीं बनाया इतने दिनों में कि उनमें बहुत कम लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना आपको चलानी पड़े, शेष लोग अपना जीवन निर्वाह कर सके, क्योंकि आपके पास बेरोजगार लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, जो ठीक ठाक पोजीशन पर थे वो बेहाल हो चुके हैं और आपको चुनाव में वोट लेना है। तो यह है विकास की असलियत कि आप मजबूर हैं, आप लोगों का वोट पाने के लिए उनको अपने देश का जो फूड ग्रेन का पूरा स्टोर है उसको लुटा रहे हैं, और कभी दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया तो हालात क्या होंगे। और इसीलिए 3 कृषि कानून आए थे कि पूरे के पूरे फूड ग्रेन मार्केट पर आप बड़े उद्योगपति बड़े कारपोरेट घरानों का कब्जा दे दीजिए, लेकिन किसानों के आंदोलन से वो मामला फिसल गया। तो दोस्तों ये कहानी है कि उत्तर प्रदेश में जनता बेहद नाराज है, लेकिन चुनावी हथकंडों के मामले में जनता को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता मौजूदा सत्ताधारियों ने अर्जित की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और विपक्ष कोशिश कर रहा है कि गठबंधन बनाए, लेकिन सत्ताधारी दल ने भी विपक्षी दलों के बीच में गठबंधन के अपने समीकरण तय करने का फैसला किया है, और कई गठबंधनों को स्वयं वो बनवा रहा है, बिगाड़ रहा है। अब हैदराबाद से आकर एक सज्जन चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर, ताकि विपक्ष के खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोटों में विभाजन कर सके। गजब का अंदाज है, बिहार में भी उन्होंने ऐसा किया था। तो कुल मिलाकर बिल्कुल आखिर में मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश के चुनाव का सेमीफाइनल है, लेकिन वहां पर जनता नाराज है सरकार से। अब सवाल इस बात का है कि जो सरकार चलाने वाला दल है वो जानता है कि चुनाव लड़ने की कला क्या है, वो जानता है कि किन हथकंडों से चुनाव जीता जाता है, हथकंडों में, चुनावी हथकंडों में और जनता की नाराजगी के बीच में जद्दोजहद है। देखिए होता है क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।